हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाती हूँ ताई जी से, जो कि हमारी जेठू सास है, और ये जो है कुछ बताने वाली है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मेरे हस्बैंड और अपने बड़े बेटे के कारनामे को बता रही है कि इन्होंने क्या कारनामा किया था। तो सुनिए इनकी जुबानी। और भैंस का पूछ, मेरा भैंस का पूछ टूट गया। अच्छा, उसका पूछ छोटा छोटा बन गया। अरे क्या कर दिया हमने, बोला हमने उनको काट पा दी। अच्छा, बाबरे, मेरे भयंकर हो यार, तुम लोग भैंस के पूछ को काट पा दे रहे, ये कोई होने वाली बात है? गए मैं इनको मारने, वो कहाँ आदमी मेरे सामने, वो तो भाग गए। इतने बिगड़े थे। अरे कौन? बलबीर रमेश। अच्छा। बहुत ध्यान से सुन रही थी, मैंने कहा पहले तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, फिर जब लास्ट में था इन्हें कहा बहुत बिगड़े हुए थे। कौन? देखो तुम्हारी बात हो रही है, बहुत बिगड़े थे तुम। भैंस के पूछ बांधे ना दोनों ने, भैंस ने बांधी हो रहे, एक ने इधर ने खींचा, बांधी हो पूछ टूट गई भैंस की, दूसरे उधर खींचा। पर वो किसकी भैंस की पूछ टूटी? मेरी भैंस की। अच्छा, अरे ये क्या कर दिया आपने, हमने जरा मेरे हस्बैंड की भी सुनी जाए, वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हैं। ताई जी, किसकी गलती थी? बोलो बोलो। कुछ नहीं थी, हमने भैंस चराने ले गए। इन्होंने क्या किया? भाई रमेश, उसने जो है दोनों भैंसों की पूंछ बांध दी, हम एक ने इधर को जोर लगाया, एक ने उधर को जोर लगाया, वो भैंस की पूंछ दोनों की टूट गई। हे भगवान, मेरा कहाँ सुनते हैं लड़के। वही तो, मैं मारने के लट्ठे दे देने थे ना ताई, आपने भाग गए ना, ये सामने में आए नहीं और भाग गए। अच्छा, इतने शैतान थे पिताई ना, बहुत शैतान थे तुम भाई। वहाँ पर वो वहाँ पे बात हो गई।